देश के कई शहरों से अयोध्या के लिए भेंट पहुंच रही है। गुजरात के वडोदरा से एक विशालकाय दीप अयोध्या भेजा गया है और इसका वजन 1100 किलो है। वडोदरा से अयोध्या पहुंचे इस विशेष दीप को कार सेवकपुरम में रखा गया है। तो दीप को कार सेवकपुरम में रखा गया है। खास बात यह है इस दीप की कि इसका वजन 1100 किलो का है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, 1100 किलो का दीप अयोध्या पहुंच चुका है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में तैयारियां जोरों पर है और ये दीप जब कार सेवकपुरम में रखा गया उसके बाद जय श्री राम के नारे लगे। ये दीप बनाया है हमने, 1100 किलो वजन का है। उसमें जो घी समाने जावे तो 501 किलो घी समा सकता है। जो जलाने के लिए 15 किलो रुई का दिया बनाया है, दीवेट बनाया है। और ये इसका खासियत ये है कि जो दिया जलता है तो 2 से 2.5 महीना तक ये दिया जलेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री ने अनुष्ठान की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में अनुष्ठान की शुरुआत की। वो नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचे जहां पूजा करने के बाद वो भजन कीर्तन में भी शामिल हुए। नासिक का कालाराम मंदिर गोदावरी नदी के किनारे मौजूद है और इसे रामायण का वही पंचवटी माना जाता है जहाँ वनवास के दौरान भगवान राम ने कुछ वक्त बिताया था। तो ये तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं ये उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक पहुंचे थे। कालाराम मंदिर वो पहुंचे और उनकी तरफ से ये भी इस बात का जिक्र किया गया कि उनका सौभाग्य है कि वो अनुष्ठान की शुरुआत यहां से कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए, समस्त आदमियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी का हस्ते उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसका जो है एक तरह से मान लीजिए शिलान्यास हुआ। अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को। मोदी जी ने 11 दिन का जो है पंचवटी में जाके संकल्प लिया जहाँ पर राम ने जलाकर अपना जो है समय व्यतीत किया था भगवान राम ने। और प्रधानमंत्री के लिए बहुत भावनापूर्ण जो है क्षण है। तो हमारे हम लोग सबका, साधु संतों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य। कालाराम मंदिर में पूजा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुष्ठान की शुरुआत हो गई जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह एक ऑडियो संदेश जारी कर अपने अनुष्ठान की जानकारी दी और नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा पाठ के साथ इस अनुष्ठान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने नासिक के कालाराम मंदिर में पुजारियों के बीच बैठकर कीर्तन किया। उन्होंने मंजीरा बजाया और कालाराम मंदिर के परिसर में बैठकर राम नाम का भजन गाया। अपने अनुष्ठान के पहले दिन प्रधानमंत्री ने नासिक के कालाराम मंदिर में लंबा वक्त बिताया। उन्होंने सबसे पहले वहां पूजा और आरती की, फिर मंदिर परिसर में रामायण के महाकाव्य कथा पाठ का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने रामायण का युद्ध कांड सुना। खास बात यह रही कि मंदिर में इस खंड का पाठ मराठी भाषा में किया गया था और प्रधानमंत्री ने AI अनुवाद के माध्यम से इसे हिंदी में सुना। वाच भ्रातरम रामो लक्ष्मणम शुभ लक्षणम। कालाराम मंदिर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे बना है।